हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी एसोसिएट और जेपी पावर के स्टॉक के बारे में, क्योंकि इन दोनों के अंदर बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। आज जेपी एसोसिएट आपको बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला, जो कल आपको लेवल्स बताए थे, देखिए एग्जैक्टली वहाँ से आपको टर्न होता हुआ देखने को मिला। लेकिन जेपी पावर में देखिए अभी भी एक बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि आपको इतना स्टॉक भागता हुआ क्यों देखने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा तेज़ी क्यों हो रही है, और दोस्तों यहाँ पे आगे के टारगेट्स क्या हो सकते हैं, क्या अभी इन लेवल्स पे आपको बाइंग करना चाहिए, सब कुछ आपको दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, वो होगा यहाँ पे जेपी पावर, क्योंकि जेपी पावर के अंदर बन रही है बड़ी तेज़ी। तेज़ी के पीछे की वजह क्या है, सबसे पहले आपको दोस्तों ये बताता हूँ। तो देखिए, जेपी पावर ने 5 रुपये पे क्लोजिंग दी, करीबन 40 पैसे आपको स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 8.70% देखिए यहाँ पे आपको आज स्टॉक में बढ़त देखने को मिली है। और जेपी पावर दोस्तों अब 5 रुपये की रेंज में एंटर कर चुका है, क्लोजिंग आपको 5 रुपये पे देखने को मिल चुकी है। जेपी पावर में देखिए तेज़ी का कारण क्या था आज का, सब आपको ये बताता हूँ। देखिए, कल खबर निकल के आई थी कि यहाँ पे जो JSW एनर्जी है, JSW ग्रुप है, उन्होंने यहाँ पे करीबन इस स्टॉक के 5 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। करीबन 5 करोड़ 40 लाख देखिए शेयर्स यहाँ पे ये बेचते हुए नज़र आए, और जिसके कारण देखिए आज जेपी पावर के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिली। कल एक बड़ी ब्लॉक डील करता हुआ देखिए नज़र आया था JSW ग्रुप, और उसके कारण आपको देखने को मिला एक बेहतरीन तेज़ी यहाँ पे JSW ने जो यहाँ पे ब्लॉक डील की, उसके कारण आपको यहाँ पे जेपी पावर के अंदर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली। सबसे पहले देखिए आपको वो खबर दिखाता हूँ जो निकल के आई थी। तो देखिए दोस्तों, जो खबर निकल के आई थी, इसमें कहा गया था कि JSW एनर्जी सोल्ड 5 करोड़ 40 लाख शेयर्स ऑफ जय प्रकाश पावर एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 4.12। तो देखिए, इन्होंने जो ब्लॉक डील की, इसके कारण आपको देखने को मिला यहाँ पे JSW एनर्जी ने जो ब्लॉक डील की, उसके कारण यहाँ पे आपको जय प्रकाश पावर के अंदर देखिए तेज़ी बनते हुए देखने को मिली। जो ब्लॉक डील हो चुकी थी, कल ही हो चुकी थी, उसके कारण देखिए आज भी हाइप था स्टॉक के अंदर, और आपको एक बढ़िया बढ़त देखने को मिली। ब्लॉक डील देखिए हुई थी, इसलिए आपको तेज़ी देखने को मिली है। तो डेफिनेटली देखिए, जो तेज़ी का कारण है वो आपको मैंने बताया, और आप देखेंगे जेपी इंफ्राटेक के ऊपर जो सारी खबरें निकल गया, जिसके कारण सारा जेपी ग्रुप आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आगे के लक्ष्य क्या हो सकते हैं, चलिए आपको ये बताता हूँ। तो देखिए, आज जो क्लोजिंग हमको देखने को मिली वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया है, 5 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिली है। स्टॉक में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको आज देखने को मिलेगा कि स्टॉक आपको आज सर्किट तो नहीं लगा पाया, सर्किट लिमिट 5 रुपये 10 पैसे थी, लेकिन वो लगा नहीं पाया। बट ऑलमोस्ट आप देखिए स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिली है। स्टॉक में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये जो निकल के आई है आज, वो मुझे लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से जो फॉर्मेशन फॉर्म कर रहा है, वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिला आज की जेपी एसोसिएट में गिरावट देखने को मिली, बट यहाँ पे आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। डेफिनेटली इस काउंटर में भी देखिए गिरावट देखने को मिली, बट जो गिरावट आपको देखने को मिली वो सारी सस्टेन हो गई, और स्टॉक यहाँ पे आपको ऊपर बंद होता हुआ नज़र आया। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉक के अंदर देखिए एक बड़ी तेज़ी बन रही है, और हो सकता है कि ये तेज़ी स्टॉक को करीबन 5 रुपये 50 पैसे से लगाकर 6 रुपये की रेंज में लेके जाए। और 6 रुपये देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मेरा पहला टारगेट है जेपी पावर के लिए। तो जिन लोगों ने ले रखा है वो होल्ड करके चले, कोई दिक्कत नहीं है, बेचने की अभी सोचना नहीं है, क्योंकि अभी आपको इन सब पेनी स्टॉक्स के अंदर एक कह सकते हैं कि आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सब देखिए भाग रहे हैं, और जेपी पावर भी देखिए बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो करना क्या होगा यहाँ पे, जिन लोगों के पास है वो बने रहे, करेंट लेवल के आसपास खरीदारी करने का सोचें। आपको जो दोस्तों जो टारगेट रखने हैं जेपी पावर के अंदर कल के लिए, वो होंगे करीबन 5 रुपये 25 पैसे से लगकर 5 रुपये 35 पैसे। हो सकता है कि देखिए स्टॉक यहाँ पे अब आपको सर्किट ना लगाए, या फिर आपको 10% तक रोज़ ना बढ़ता हुआ देखने को मिले, लेकिन तेज़ी बन रही है और वो तेज़ी इंटैक्ट है। तो खरीदारी के बारे में सोचना है, टारगेट 5 रुपये 25 से 35 पैसे तक का रखिए। स्टॉप लॉस दोस्तों जो मेंटेन करके चलना है आपको, करीबन यहाँ से करके चलना है 4 रुपये 90 पैसे का। डेफिनेटली ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो हो सकता है कि इस साल के अंत तक आपको 8 रुपये के लेवल्स भी देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, ये बात हो गई यहाँ पे जेपी पावर की। अब बात करते हैं जेपी एसोसिएट के ऊपर। तो देखिए, जेपी एसोसिएट ने 12 रुपये 50 पैसे पे क्लोजिंग दी, करीबन 10 पैसे स्टॉक आपको गिरता हुआ नज़र आया, 0.79% की यहाँ पे आपको आज गिरावट देखने को मिली है। और स्टॉक में देखिए, जो आपको कल कहा था कि 13 रुपये के ऊपर सस्टेन अगर होता है, हमको देखने को मिलता है, तभी देखिए तेज़ी होगी। शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत अपर सर्किट लगते हुए हुई, शुरुआत बढ़िया हुई, आपको देखने को मिला स्टॉक खुलता ऊपर है, गैप अप जो ओपनिंग हो रही थी लगातार,
और फिर आपको यहाँ पे गिरता हुआ देखने को मिला। लेकिन स्टॉक के अंदर आज फिर एक मोमेंटम बिल्ट हो रहा था, लेकिन वही है, देखिए 13 रुपये का लेवल, 13 रुपये के लेवल के आसपास स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। जो दोस्तों कल लेवल्स बताए थे कि आपको 13 रुपये के बाद गिरावट देखने को मिल सकती है, एग्जैक्टली आज वो का वही हुआ, 13 रुपये के बाद गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक आप समझ के चलिए कि जब भी 13 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग देगा तब एक बुलिश पैटर्न फॉर्म होगा, और फिर ही आप दोस्तों समझ के चलिए कि आपको एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। 13 रुपये इसके लिए एक ऐसा हर्डल है, हर्डल नहीं कह सकता लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 13 रुपये कितना बड़ा जोन है, जो अगर हमको देखने को मिलेगा तो फिर दोस्तों यहाँ से 15 रुपये के टारगेट विजिबल होंगे। लगातार देखिए, मेरा जो कहना है कि 13 रुपये से 15 रुपये की एक ऐसी रेंज है जहाँ पे कंसोलिडेशन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। अभी आप देखिए इन दोनों काउंटर के अंदर जो वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है, आज जो गिरावट हुई उसमें मोस्ट ऑफ द लोगों ने देखिए यहाँ पे बाय किया है, इसके कारण आपको देखने को मिला स्टॉक आज फिर से ऊपर आता हुआ देखने को मिला है। तो आप समझ के चलिए कि लोगों का इंटरेस्ट डेफिनेटली इस काउंटर से काफ़ी ज़्यादा है, और वही अभी हमको देखने को मिल रहा है दोनों काउंटर से। स्पेशली कहूँ तो JP पावर में फिर से अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्टॉक के अंदर डेफिनेटली बिहेवियर बढ़िया है, इसलिए देखिए वहाँ पे लोग ज़्यादा खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आपको JP एसोसिएट के अंदर मैं कह सकता हूँ कि साल के अंत तक 15 रुपये का लेवल मैं दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ से एक बेहतरीन तेज़ी तो देखने को मिल ही रही है लेकिन एक बढ़िया खरीदारी आपको देखने को मिल रही है। स्टॉक यहाँ से एक बड़ी तेज़ी करके दिखाएगा, जस्ट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इसमें आपको यहाँ से खरीदारी करके चलना है। आप समझ के चलिए कि ये स्टॉक के अंदर एक बेहतरीन तेज़ी तो बनने वाली है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो वो 15 रुपये का लेवल तो दिखाएगा ही दिखाएगा। अभी कहाँ तक गिरावट हो सकती है, सबसे बड़ी यहाँ पे ये बात आ रही है। अब देखिए स्टॉक के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेस बना हुआ है आज, जो मुझे सबसे दिन का लो बनता हुआ देखने को मिला 11.75 का, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 11.75 रुपये जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कोई स्टॉक का है उससे ज़्यादा कोई भी नहीं है, आप समझ के चलिए। और अगर आपको यहाँ पे ख़रीदारी करनी है तो आपको ख़रीदारी करनी होगी स्टॉप लॉस लगा के 11.75 रुपये। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पे रखना हो स्टॉक को तो याद रखिए 11.75 सपोर्ट है, 11.50 मान लीजिए, और ख़रीदारी करनी है तो ख़रीदारी इनके आसपास ही करनी है, अभी एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना है। ये स्टॉक डेफिनेटली देखिए हिडन जेम बन सकता है, लेकिन एक बार कंपनी के नंबर्स आने दीजिए, नंबर्स जब आएंगे तब हमको देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि चार्ट पैटर्न अभी भी बिल्कुल पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। तो जिन लोगों को शॉर्ट टर्म में यहाँ पे गेन कमाना है वो टारगेट मान के चलिए 15 रुपये के, 15 रुपये के भी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं अगर स्टॉक 13 रुपये के ऊपर कभी भी क्लोजिंग देता है। तो इस लेवल्स को आपको मान के चलना है, 13 रुपये का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 13 रुपये का लेवल हमको देखने को मिल जाता है क्लोजिंग बेसिस पे तो आप समझ के चलिए एक बड़ी तेज़ी आपको JP एसोसिएट में बनती हुई देखने को मिलेगी। काउंटर बहुत स्ट्रांग है तो खरीदारी करके ही यहाँ पे चलना है, लेकिन जिन लोगों के पास पहले से वो डेफिनेटली होल्ड करें, ज़्यादा पोजीशंस भी बनाने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड हमको यहाँ पे लेने से बचना है। लेकिन जो एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं, जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे खरीदारी के बारे में सोचेंगे, ज़्यादा सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि जो आज हमको देखने को मिला है वो ये है कि आज हो सकता था कि देखिए लोअर सर्किट लग जाए लेकिन लगा नहीं, लोग ने नीचे बाइंग करी है, तो वही सबसे ज़्यादा काउंटर में स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको CMP बाय करके चलना है, टारगेट रखना है यहाँ पे आपको जो होगा, मुझे लगता है जो देखने को मिल सकता है करीबन 12.40 रुपये की देखिए क्लोजिंग है, तो 13 रुपये आपको यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है, पॉसिबली चांसेस आर हायर, लेकिन 13 रुपये की क्लोजिंग चाहिए। स्टॉप लॉस दोस्तों जो मेंटेन करके चलना है आपको यहाँ पे करके चलना है करीबन 12 रुपये का, तो 12 रुपये का SL, 13 रुपये का टारगेट, होल्ड करना है जिन लोगों के पास है, 11.75 रुपये 50 पैसे का ओवरऑल स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए अपनी पूरी पोजीशन के लिए, और हो सकता है कि साल के अंत तक 15 रुपये के लेवल्स भी आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।